अयोध्या पहुंचे कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका वढ़ेरा व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि चाहे प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, इन सभी को देश की जनता सीरियस नहीं लेती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरोध में यह भी भूल जाते हैं कि वे किसका विरोध करें और किसका विरोध ना करें। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का विरोध करना पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गैर जिम्मेदाराना बयान था। पूर्व मुख्यमंत्री को कोरोना वैक्सीन के बारे में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए था। यही हाल राहुल गांधी का है। राहुल गांधी ने एयर स्ट्राइक का विरोध किया, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, चाइना पर सवाल खड़ा किया, सीमा पर सवाल खड़ा किया। वही हाल अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव के मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मंदिर हो, मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या फिर चर्च, सभी को जाने का हक है, पूजा करने का हक है। भाजपा सांसद आज अयोध्या पहुंचकर गुप्तार घाट के पंचमुखी मंदिर में दर्शन पूजन किया। चाहे अखिलेश जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, इनको इस देश की जनता सीरियस नहीं लेती है। जैसे उदाहरण के लिए, जिसे जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन पर अखिलेश जी का बयान आया, हम समझते हैं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान था। और ये लोग मोदी विरोध में और योगी विरोध में ये समझ नहीं पा रहे हैं किस चीज़ का विरोध करना चाहिए, किस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। और इसी चक्कर में राहुल जी एयर स्ट्राइक का विरोध कर गए, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध कर गए, चाइना पर सवाल खड़े कर दिए, बॉर्डर पर सवाल खड़े कर दिए। और वही स्थिति अखिलेश जी की है कि राहुल के नक्शे कदम पर चलते हुए कोरोना वैक्सीन तक पहुंच गए और मंदिर जाने का सबका हक है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, सबके लिए खुला है, ये उनका हक है। मुलायम सिंह की बहू ने जो है अभी संपूर्ण निधि में दान किया है, उस पर एक अखिलेश यादव ने टिप्पणी की है कि मतलब जो दान तो सब कुछ करते हैं, लेकिन इस तरह से उनकी टिप्पणी थी, उस पर कहना है। देखिए, अर्पणा उनकी बहू ने अर्पण किया है, उसके लिए तो उनको धन्यवाद। कल मैं एक कार्यक्रम में बहराइच जिले के अंतर्गत था और मैंने छोटा सा एक वक्तव्य दिया कि जब विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के ऊपर हमला किया तो उस समय जो मजबूत लोग थे, विशेष करके क्षत्रिय समाज, उन्होंने उसका विरोध किया। तो उस समय उनके पास तीन विकल्प थे, या तो वो मारे जाएं, या तो वो पलायन कर जाएं, और या तो वो धर्मांतरण कर लें। और इसी आधार पर बड़ी संख्या में पूरे देश के अंदर धर्मांतरण हुए। जो लोग जीना चाहते थे, आराम से जीना चाहते थे, तो उनको धर्म कबूल करना ही एकमात्र रास्ता था, या तो मरना था या तो अपना घर द्वार छोड़ करके भागना। तीन रास्ते थे, चौथा कोई ऑप्शन नहीं था। और कल मैंने अपने वक्तव्य में कहा कि भगवान राम जो पाँच पुस्त पहले जो हिंदू से मुसलमान बने हैं, जैसे आपके बगल में चिर्रा है, जगनपुर है, ये सारे गांव ये हम लोगों की पटीदारी है। किन परिस्थितियों में बने मुसलमान हम नहीं कह सकते, किन परिस्थितियों में बने। मेरे यहाँ कर्नलगंज विधानसभा के अंदर 20-25 मजबूत गांव हैं, कटैला है, मोहम्मदपुर है, कलहंस ठाकुर थे, मुसलमान बने। तो अगर 5 पुस्त पहले 4 पुस्त पहले 6 पुस्त पहले 7 पुस्त पहले अगर वो किसी परिस्थिति के कारण मुसलमान बने, तो पूर्वज तो उनके भी राम हुए। और मैंने जब ये कल वक्तव्य दिया तो 50 आदमियों ने उठ करके रसीद कटाया, मंदिर में सहयोग दिया, जिसमें गरीब भी थे, अमीर भी थे। तो इसलिए मैं बधाई देता हूँ मुलायम सिंह की बहू को, और मुझे उम्मीद है कि मुलायम सिंह भी करेंगे, अखिलेश जी भी करेंगे। जिस तरह से चुनाव जीत गया है, आगे रणनीति क्या होगी और अपने माध्यम से मतलब किस तरह आपकी क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी,
उत्तर प्रदेश के अंदर। और रणनीति जो है वो है गरीब की सेवा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जिसको आधार बना करके सरकार काम कर रही है। इतने विपक्षी, उनका कहना है कि राम मंदिर की पहले बात करते थे, अब जो है समर्पण निधि की बात की जा रही है भाजपा में, तो अब क्या कहते हैं उसके लिए? मैंने पहले ही कहा कि विरोध करते करते ये लोग भूल गए कि किस चीज़ का विरोध करना चाहिए, किस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। ये बताइए कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण होगा विधानसभा चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो? मुद्दा तो वही होगा, कोई नया मुद्दा आने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सब और सबका विश्वास, जो कार्यक्रम चल रहे हैं प्रदेश के विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। मुद्दा वही होगा, अलग से कोई मुद्दा न होने वाला नहीं। मंदिर मुद्दे का क्या होगा? मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है, मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है। मंदिर बन गया, मंदिर बनना शुरू हो गया, ये मुद्दा निर्माण की खुशी का मुद्दा नहीं। नहीं, खुशी तो जनमानस मनावे, लेकिन सरकार इसके आधार पर चुनाव थोड़े लड़ेगी। सरकार इसके आधार पर चुनाव नहीं लड़ेगी, सरकार विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी। जो सेवा किया है गरीबों की, बड़ा समय लगेगा, जो सेवा किया उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी, ना कि मंदिर के आधार पर लड़ेगी। जिस तरह पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे कहना ये